हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। तो मैं आ गया हूँ गाँव। यहाँ पे कुछ ऐसी अनबॉक्सिंग चल रही है। तो आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला एक और प्रोडक्ट जो एक साउंड बार है। तो हम अनबॉक्सिंग करने वाले एक साउंड बार की, तो मैंने यहाँ पे परचेस किया था। तो हम उसके बारे में देखेंगे और उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो फिलहाल मैं अपने सीढ़ी पर बैठा हूँ और यहाँ पे है वो साउंड बार। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो ये एक ज़ेब्रोनिक्स का साउंड बार है, ज़ेब मिनी साउंड बार वीटा प्रो। तो इसमें मैंने जो लिया है वो 24 वॉट का है, और इसमें दो वर्जन आते हैं, एक 24 वॉट और एक आता है 60 वॉट। तो ये हम काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रहे हैं। ये साउंड बार हम काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रहे हैं। यहाँ पे ज़ेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग है, यहाँ पे एक स्क्रीन है। जब इसे चालू करेंगे तो एक LED स्क्रीन मिलती है, प्लस यहाँ पे इसके पोर्ट्स एंड बटन्स है, पावर मोड, फिर रेडियो, फिर साउंड का बटन है। फिर इसमें मेमोरी कार्ड आप डाल सकते हैं, USB लगा सकते हैं, चार्जिंग का एक पोर्ट है माइक्रो USB का, और एक ऑक्स का केबल है। ये सारे चीज़ें आपको इसके अंदर मिल रही हैं। इसकी प्राइस है लगभग 2000 रुपये। तो 2000 रुपये के अंदर ये आपको मिलता है ज़ेब वीटा प्रो, ज़ेब मिनी साउंड बार वीटा प्रो। तो चलिए इसे ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए आपको मोड दबाना है। ज़ेब्रोनिक्स फॉर लाइफ ब्लूटूथ मोड। तो आपने सुना, ये ब्लूटूथ मोड में ऑन हो जाता है। यहाँ पे लाइट ब्लिंक हो रही है, जहाँ से बताएगा कि ये कौन से मोड पे है। तो चलिए इसे कनेक्ट करते हैं। तो मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं इसकी बैटरी 80% है। तो चलिए इस पर कुछ सॉन्ग प्ले करते हैं और इसका जो लाउड वॉल्यूम है वो पता चलेगा। तो मैं एक कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक चला लेता हूँ। इंक्रीज करता फिलहाल ऐसे में कनेक्टेड है सारे मोड काम करते हैं। तो ये कुछ 10 घंटे का बैटरी बैकअप। तो ये फर्स्ट साउंड बार मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और इसका फीडबैक भी अच्छा है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें दो वर्जन आते हैं, ये 24 वॉट का है और एक आता है 60 वॉट का। तो जो 24 वॉट का है वो पड़ता है 2000 में, और जो 60 वॉट का है वो पड़ता है 3000 में। तो 60 वॉट के साथ आपको रिमोट मिलता है, इसमें आपको रिमोट नहीं मिलता है। सारे कंट्रोल्स आपको बटन से ही चलाने हैं, फास्ट फॉरवर्ड, वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड मोड चेंज करना है, सारी चीज़ें आपको बटन से ही चलानी है। इसका रेंज भी काफ़ी अच्छा है 10 मीटर का। इसका बैटरी बैकअप है 10 घंटे का क्लेम किया है, और जो चार्जिंग टाइम है वो 3.5 घंटे का है। तो जो चार्जिंग है वो माइक्रो USB है, स्लो चार्जिंग है, कोई फास्ट चार्जिंग नहीं है। जो ब्लूटूथ वर्जन है वो 5 है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है। ऐसा नहीं है कि ये अभी का लॉन्च हुआ है, बट अभी भी ये चल रहा है, ज़ेब्रोनिक्स इसे बेच रहा है।
बजट के हिसाब से ये 2000 के हिसाब से काफ़ी अच्छा साउंड भी करता है और 24 वॉट के हिसाब से भी काफ़ी लाउड है। एक लास्ट में जाते जाते थोड़ा थोड़ा आवाज़ बढ़ती है, लेकिन बेस इसका काफ़ी अच्छा है। तो जो भी ये प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं ज़रूर से ज़रूर चेक करें। मैं फ्लिपकार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपके कोई भी कमेंट्स या सुझाव रहेंगे आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। इसी तरह नए वीडियोस में लाते रहूँगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।